घोरावल स्थित स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल में आज अंग्रेजी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसका विषय था नई शिक्षा नीति 2020 की आधुनिक परिवेश में प्रासंगिकता। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने श्री हरसेवानंद जी के तैलीय चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से किया। प्रतियोगियों में सभी प्रतिभागियों को आशीर्वचन देते हुए विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने वाक अभिव्यक्ति कौशल एवं तर्क शक्ति को जीवन में एक मजबूत स्थिति में रखने की बात कही। विद्यालय समूह के समस्त शाखाओं के प्रतियोगियों ने पक्ष विपक्ष में अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई। वक्ता प्रतिभागियों ने अपनी समझ अभिव्यक्ति शैली एवं प्रस्तुतिकरण के तौर तरीके से अपना अपना पक्ष रखा। इस काम में कड़वाघाट से पक्ष में श्रेया सिंह, विपक्ष में रागनी विशिष्ट जगतगंज से पक्ष में आशुतोष सिंह, विपक्ष में अनुष्का गुप्ता वनपुरवा से पक्ष में हर्षिका यादव, विपक्ष में सृष्टि पटेल चुर्क से पक्ष में शौर्य अग्रवाल, विपक्ष में एंजल चौहान घोरावल से पक्ष में अनुष्का सिंह, विपक्ष में जानवी ने अपना अपना पक्ष रखा। कार्यक्रम में समस्त अतिथियों एवं प्रतिभागियों का स्वागत प्रधानाचार्य नीरज कुमार श्रीवास्तव ने दिया। प्रतियोगिता के परिणाम में जगतगंज पांचवा, चुर्क चतुर्थ, बनपुरवा तृतीय, गड़वाघाट तृतीय एवं घोरावल शाखा प्रथम स्थान पर रही। बच्चों को पुरस्कार एवं प्रमाण पत्र देते हुए प्रबंधक प्रकाश ध्यानानंद ने कहा कि प्रतियोगिताओं से मस्तिष्क को गति मिलती है, तर्क एवं अभिव्यक्ति कौशल विकसित होता है, हमें इनमें निरंतरता रखनी होगी। कार्यक्रम में समस्त शाखाओं से आए शिक्षकों ने निर्णायक का कार्य किया, जिसमें रमेश माठक, आकाश सोनी, मिर्जा विलायत वक्त, ज्योति गुप्ता एवं माही शर्मा आदि रहे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक विपिन सिंह एवं छात्र कृतिका गुप्ता ने किया तथा शिक्षक दिवाकर सिंह, मोतीलाल गुप्ता, रवि यादव, शिखर दुबे, किरण राजकुमार यादव आदि उपस्थित रहे। Source of inspiration, our respected principal sir, symbol of justice, our dignified members, our teachers, worthy opponents, and everyone present over here. This is Anushka from class 10, standing over here to express my views on the topic of the new national education policy. 1965, when our first education system introduced, that in this year, 90 replaces the 34 years old national policy that was formulated in 1986 and subsequently revised in 1992 and 1998. The new education policy